हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पाइथन में एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जिसका नाम है रिवर्स। क्या नाम है? रिवर्स नाम है, और उस रिवर्स फंक्शन की बात करने वाले हैं आज। ठीक है, तो इसको कैसे यूज करेंगे और इसके यूज करने के क्या एडवांटेजेस हैं इसको देखेंगे और कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो पाइथन को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये PyTS पाइथन की जो ट्रेडिशनल आईडी है इसे ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन हो जाएगा क्लिक करेंगे तो, और ये ओपन होगा तो अब ये पाइथन की शेल है, ये पाइथन का होम पेज है। यहाँ पर कोडिंग नहीं करनी हमें, यहाँ पे आना है, हम खुद से डिसाइड करेंगे चीजों को। तो कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती कर देते हैं बहुत भारी। अब जैसे मान लीजिए ए नाम से एक बनाया हमने और स्ट्रिंग इसमें स्टोर करा रहा हूँ, जैसे लाइक यहाँ पे कर दिया मैंने INDIA इंडिया कर दिया, ठीक है, और इसमें रिवर्स फंक्शन का यूज वो करना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं और फिर यहाँ पे REVERSE रिवर्स लिखते हैं, फिर यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करके ए को प्रिंट कराते हैं। तो ये पूछता है कि क्या आप रिवर्स्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैं इसे चलाता हूं तो आप देखेंगे कि सेम वही आएगा आपका लिख के, कि ये पूछेगा कि शायद आप रिवर्स्ड चाहते हैं। तो रिवर्स्ड फिर स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि शायद हमसे गलती हो गई और यहाँ पर हमको क्या लिख देना चाहिए, रिवर्स्ड। और यहाँ पर ये देखिए कलर भी चेंज हो गया, तो आपको ऐसा लगता है कि ये सही हो गया प्रोग्राम। नहीं, सही नहीं हुआ। स्ट्रिंग में रिवर्स नहीं चलता है, होता जरूर है लेकिन स्ट्रिंग में रिवर्स काम नहीं करेगा। देखिए ये नहीं हो रहा है रिवर्स, और इस तरह की चीजें आएंगी। तो फिर रिवर्स कैसे होगा, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आपको क्या करना है। यहाँ पर एक छोटा सा काम, बस क्या काम है देखिए, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करना है, स्क्वायर ब्रैकेट को, ठीक है। ये आप स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन कीजिए, एक बार कॉलन लगाइए, दो बार लगाइए और यहाँ लिख दीजिए -1। ये लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। देखिए इसको चलाता हूँ, अब देखिए ये को प्रिंट करवा रहा हूँ, देखिए क्या ये रिवर्स हो रहा है कि नहीं। तो देखिए ये रिवर्स हो जा रहा है, ठीक है। देखिए इंडिया था तो आई ए पहले आ रहा है, इंडिया का ए पहले आ रहा है, फिर आई आ रहा है, डी आ रहा है, एन आ रहा है और आई आ रहा है, ठीक है। तो ये रिवर्स हो जाएगा, लेकिन आखिरकार दिया हुआ है रिवर्स फंक्शन तो ये यूज कहाँ होगा, ये सवाल उठता है। तो हम यहाँ पर एक लिस्ट बनाते हैं छोटी सी, ठीक है। यहाँ पर किताबों की लिस्ट बनाते हैं, जैसे एक पाइथन की बुक है PyTHON, ठीक है, और फिर यहाँ पर जावा की बुक है JAVA, तो ये जावा हो गया। यहाँ पर कॉटलिन की बुक है KOTLIN कॉटलिन, तो ये कॉटलिन। तो यहाँ पे तीन नाम हमने लिख दिए हैं, देख सकते हैं। अब हम इसमें रिवर्स का यूज कर सकते हैं, कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी तो कर रहा था तो नहीं ये चल रहा था, तो अभी करेंगे कैसे इसको। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, जैसे इसको पहले हम बताते हैं कि यहाँ पर हमें रिवर्स फंक्शन को यूज करना है। तो यहाँ पर ए में सारी चीजें स्टोर है और यहाँ पे क्या लगाएंगे, रिवर्स लगाएंगे, REVERSE, ये रिवर्स लगा दिया। ब्रैकेट को ओपन किया, ब्रैकेट को क्लोज। क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये फंक्शन है, रिवर्स क्या है, एक फंक्शन है, REVERSE, ठीक है। तो रिवर्स एक फंक्शन है और इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन और क्लोज किया। अब यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे, किसको प्रिंट करवाएंगे, बेटा ए को प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ ए को प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से। तो ए को प्रिंट करवाएंगे तो क्या होगा, तो एक बार चलाते हैं, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। तो अब देखेंगे कि जब मैं इसे चलाऊंगा तो ये काम करेगा, ठीक है। अभी क्या प्रिंट हो रहा है, पहले कॉटलिन प्रिंट हो रहा है, फिर जावा प्रिंट हो रहा है, तब पाइथन प्रिंट हो रहा है, जबकि यहां पर देख सकते हैं कि पहले पाइथन है, फिर जावा है, तब कॉटलिन है। यानी रिवर्स काम करेगा, क्या ये टपल में भी काम करेगा, टपल में काम करेगा। तो यहां पर इसे टपल अगर बना देता हूं, ठीक है, तो टपल में चेंजेस अलाउ नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन ये तो रिवर्स कराना है, तो क्या पता ये काम कर जाए। तो एक बार चला लेते हैं इसको भी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टपल में कभी भी चेंजेस अलाउ नहीं होते हैं, और यहां पर आप करेंगे तो ये एट्रीब्यूट एरर आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है इस तरीके से, ये कह रहा है कि एट्रीब्यूट एरर, टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट रिवर्स, ठीक है। तो ये लिस्ट में काम कर जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।